रायबरेली समाचार चैनल आज की बड़ी खबर। आस्तिक देव मंदिर में दर्शन करने आई युवती लापता, सई नदी में खोजबीन शुरू। सपना के मामा ने मंदिर पर श्री रामचरित मानस का अखंड पाठ बैठाया। गोताखोरों को नदी में उतारा गया। गोताखोरों ने जाल डालकर फिर कांटे से नदी को खंगाला। हरचंदपुर थाना क्षेत्र के श्री आस्तिक स्वामी मंदिर लालूपुर खास गांव में परिजनों के साथ आई युवती शनिवार को सई नदी में स्नान करते समय अचानक पानी में डूब गई। आधा दर्जन गोताखोर युवती की तलाश में सई नदी की तलहटी में घंटों भटकते रहे, लेकिन शाम तक उसका कोई पता नहीं चला है। मंदिर परिसर में परिजनों और रिश्तेदारों की भीड़ जमा है। परिजनों में कोहराम मचा है। पुलिस मामले को संदिग्ध मान रही है। अमेठी जनपद के फुर्सतगंज थाना क्षेत्र के तेंदुआ गांव निवासी वेद प्रसाद चौरसिया की लगभग 24 वर्षीय पुत्री सपना चौरसिया बीती शुक्रवार को अपने मामा रविंद्र कुमार, उमेश कुमार, नानी नाना आदि लोगों के साथ श्री आस्तिक स्वामी मंदिर दर्शन करने आई थी। सपना के मामा ने मंदिर पर श्री रामचरित मानस का अखंड पाठ बैठाया है। शनिवार सुबह भोर के समय सपना चौरसिया अपनी मामी कोमल पत्नी रविंद्र, मौसी संजू चौरसिया, पुत्री जवाहरलाल चौरसिया के साथ सई नदी के घाट पर स्नान करने गई थी। कोमल अपने कपड़े लेने मंदिर चली आई। इसी बीच संजू बालू लेने के लिए पीछे कुछ कदम दूर चली गई। तभी पानी में छपाक की आवाज सुनकर संजू नदी की तरफ मुड़ी। तब तक सपना लापता हो चुकी थी। संजू के चीखने चिल्लाने पर अन्य लोगों को सपना के नदी में डूबने का पता चला। आपाधापी में अखंड पाठ बंद हो गया। जानकारी मिलने पर मंदिर समिति के प्रबंधक प्रदीप श्रीवास्तव, थानाध्यक्ष सुरेश कुमार सिंह, गुलूपुर चौकी इंचार्ज सत्येंद्र कुमार पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। आसपास के आधा दर्जन गोताखोरों को नदी में उतारा गया। गोताखोरों ने जाल डालकर फिर कांटे से नदी को खंगाला। रोग बिलकते सपना के परिजन बेहाल बने हैं। थानाध्यक्ष सुरेश कुमार सिंह सई नदी में स्नान करने गई सपना के नदी में डूब जाने की बात कह रहे हैं। मंदिर में लगे सीसीटीवी के फुटेज अन्य संभावनाओं पर जांच पड़ताल की जा रही है। देर शाम युवती का कहीं पता नहीं चल सहा और सई नदी में गोताखोर खोजबीन में जुटे रहे। रायबरेली समाचार चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर फॉलो करें, यूट्यूब पर कमेंट करें। संतोष है भैया। कहाँ की रहने वाली हैं आप? भैया तेंदुआ की रहने वाली हैं। अच्छा, क्या मामला हुआ है आपका? यहाँ रामायण करवाए रहे भैया। हाँ भैया, यहाँ रामायण करवाए रहे। अच्छा अच्छा, क्या हुआ है यहाँ पे? अब मंजन करे गई महाराज। क्या नाम था? सपना नाम था महाराज। उम्र कितने थे? उम्र उसकी ज्यादा से ज्यादा 20 साल के रही हुए महाराज। अच्छा, कितने समय रात में गई थी? अब अरे वो तो सुबह रहा विभा के नहाए आई, नहा के आई जल्दी मंजन करके, तो फिर रामायण का ही आए। अब वही उनका वही महाराज जाने महाराज। अच्छा, जब से गई हैं अभी मिली नहीं ना महाराज? मंजन कई के कहा थे कि बहनियाँ कहीं ऐसे भाई हैं, अब हम उनका कपड़ा उपड़ा उठाई धारा है, खाली कच्ची पहने हैं महाराज।